उधमपुर की ओर। उधमपुर में स्कूल आज से सुचारू तौर पर खुलेंगे, सुरक्षा कड़ी। उधमपुर में अयोध्या मामले के फैसले को लेकर रविवार को दूसरे दिन भी धारा 144 लागू रखी गई, लेकिन प्रशासन ने बाजार को खुला रखने की इजाजत दे दी। बाजार खुलने के साथ ही सुबह से शाम तक बाजार में रौनक नजर आई, लोगों ने जमकर खरीदारी की। इसके शहर और साथ में लगने वाले ग्रामीण इलाकों में शहर सुबह से शाम तक सुरक्षा के कड़े प्रबंध रखे गए। प्रशासन के मुताबिक आज से स्कूल सुचारू रूप से खुल गए हैं, और गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले के फैसले से पहले ही शुक्रवार देर रात को पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई थी। देविका नगरी का बाजार भी शनिवार को सुबह से शाम तक बंद रहा था। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज भी पूरी तरह से बंद रखे गए थे। यात्री वाहनों की आवाजाही भी दोपहर तक बंद रखी गई थी, इसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। धारा 144 को प्रशासन ने रविवार को जारी रखा, लेकिन दुकानदारों को दुकानें खोलने की इजाजत दे दी, और बाजार को खुलने की इजाजत मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में की गई तारबंदी को रविवार को हटा दिया गया। खुलते ही बाजारों में रौनक लौटती नजर आई, और दुकानों में ग्राहकों के पहुंचने पर दुकानदारों के भी चेहरे खिल उठे। इसके बाद शाम तक बाजार में रौनक छाई रही, और रविवार को लोगों को पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल मिलने लगा। इससे भी शहरवासियों को बड़ी राहत मिली, क्योंकि शनिवार को दिन भर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई थी। दिन भर देविका नगरी कड़े पहरे में रही, और शहर के सभी सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर रखे हैं। जखैनी इलाके में वाहनों को रोककर तलाशी ली जा रही थी। राष्ट्रीय राजमार्ग और धार रोड पर भी दिन भर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रखे गए थे।